हिलाल इस्तकलाल लहराने की तकरीब की सदारत डीसीओ के बजाय स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर अकबर नकी ने की और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और हिलाल इस्तकलाल लहराया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश करके शुरका के दिलों को गर्मा दिया। कमोडोर अकबर नकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन पाकिस्तान और लाहौरियों के लिए एजाज का दिन है और लाहौरियों का हिलाल इस्तकलाल मिलना इनकी बहादुरी की दलील है। लाहौर की कौम इकट्ठी थी, इन्होंने हमारे साथ साथ दिया और मैं एग्जांपल आपको देता हूं जो मैंने बुक्स में पढ़ा है कि हमारे लाहौर के लोगों ने बॉर्डर्स के ऊपर जो भी उनके पास चीज़ मौजूद थी, हॉर्सेस थे, गाय थी, भैंसे थी, कंबल थे, सब कुछ उन्होंने हमको दिया, पेश किया। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। तकरीब में बुजुर्ग शहरियों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। 1965 की जंग के वाकयात बताते हुए सीनियर सिटीजन फरते जज्बात से आप दीदा हो गए और उनका कहना था कि जंग लाहौरियों ने एक खेल समझकर लड़ी। इस तरह जज्बा था जैसे बसंत मनाया जा रहा है, छतों पर चढ़ गए हैं, वो बाजी गाते थे, वो आते थे जैसे बसंत मनाया जा रहा है। वो कोटा उनके जहाजों का जब आते थे तो लौरिया छतों पर चढ़ गए थे। रानी और शेरनी तोप चलती थी यहाँ से अपना शालामार से और अमृतसर जाके उनका गोला पड़ता था, बड़ी गरज धमकती थी और सारे ये दरवाजे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ टाउन हॉल ये सब लरसते थे। हिलाल इस्तकलाल लाहौर के शहरियों को इनकी बहादुरी और जवां मर्दी पर दिया गया और लाहौरी इस पर फख्र करते हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42।